जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीरावन चारी, तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा राधे जय राधा रमन राधा रमन राधे जय राधा रमन राधा जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा मदन मोहन राधा
मदन मोहन राधे राधा मदन मोहन मदन मोहन जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी राधा बिहारी राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय पंचतत्त पंचतत्त जय पंचतत्त जय पंचतत्त्व 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 जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेव जय बलदेव सुभद्रा नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि नाम संकीर्तन की जय। एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि ना हम तिष्ठा में वैकुंठे जोगन हृदयेषु वा जत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठा में नारद। मतलब हे नारद, न मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, न किसी जोगी के हृदय में वास करता हूँ, बल्कि जहाँ पर मेरा भक्तगण एक साथ मिलकर मेरा हरिनाम संकीर्तन करता है मैं वहाँ पर वास करता हूँ। जत्र गायन्ति मद्भक्त, जत्र मतलब जहाँ, गायंती मतलब गाता है, मद्भक्ता मतलब मेरे भक्तगण, मेरे भक्तगण जहाँ पर मेरा नाम कीर्तन करता है, राधा गोविंद राधा गिरिधारी राधा श्याम सुंदर राधा मदन,
भगवान बोलते तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहाँ पे वास करता हूँ। तो अभी जो हम लोग जो अभी भगवान का गुणगान कर रहे थे, कीर्तन कर रहे, तो साक्षात भगवान हमारे साथ है, कृष्णा अभी हमारे साथ है। कृष्णा भी वैकुंठ में भी नहीं है और किसी योगी के हृदय में हिमालय की गुफा में भी नहीं है, कृष्णा भी हमारे जूम क्लास में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यमनोनिष्ठा स्थापितं येन भूतले कदा मन्दं ददाति सप्तन किंतवं वंदेऽहं श्री गुरो श्रीयुक्त पद कमलं श्री वैष्णवाचा साग्रं रघुनाथ विंदम सजीव सवधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं कृष्ण पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति स्वामी नमस्ते। सरस्वती देवी गर्भाणी प्रसारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी हे कृष्ण करुणा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कामस्तुते सप्त कंचन तरंगी गौरी राघवेंद्र सरस्वती चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरोत्तमम् जय गो नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 33 हम लोग इस श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम श्लोक को उच्चारण करते हैं, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। यदपसोपार्श्वगतो रहो गतस् यदपसोपार्श्वगतो रहो गतस्
तथापित सांघ्रियुगम नवम नवम पदे पदे का विरमेत तत्पदा पदे पदे चला पिजत्सीर्ण जहाति करहि चे ये देखिए यहाँ पे जो माइनस दिया हुआ है ना, तो माइनस दिया हुआ मतलब ये जो इधर का सौ है एक साथ उच्चारण होगा। यहाँ पे देखिए माइनस दिया है, यहाँ का ये आधा जो च है इसमें एक साथ होगा। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे एज इट इज आप लोग उच्चारण कीजिए। जद्दपसो पार्श गतो रहो गतस तथापि तस्यांघ्रियुगम नवम नवम पदे पदे का विरमेत तत्पदा पदे पदे चला पिजच्छीर्ण जहाति करहि चेत् हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। यद्यपस्य पार्श्व गतो रहोत गतः यद्य यद्यपि गतो रहोत गतः तथापि तस्यांघ्रिं युगं नवं नवं तथापि तस्यांघ्रिं युगं नवं नवं पदे काव्यमेत तत्पदस्य पदे पदे काव्यमेत तत्पदस्य चलापि यच्छिन् जहाति करहि चित् चलापि यच्छिन् जहाति करहि चित् हरे कृष्ण। यद्यापश पार्श्यतो यद्यप्यश तदापि तस्य द्रिगुतं नवं नवं तदापि तस्य अंग्रियुगं नवं नवं पदे पदे काभिरमेत तदास्य पदे पदे का चलापि यच्छिर्जहाति करहि चित् चलापि यच्छिर्न जहाति करहि चित् हरे कृष्ण। यद्यपस्य स सर्वगतो रहो गतस्य तथापि तस्यांघ्रियुगं नवं नवं तथापि तस्यांघ्रियुगं नवं पदे पदे का विरमेत तत्पदा च पदे पदे काभिरमे तत्पदा च चलापि यस्रीन जहाति करहि चित् चलापि यस्रीन जहाति करहि चित् हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राकेश प्रभु अनुवाद और तात्पर्य को पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ना चाहती थी। तो भला जो स्त्री एक बार चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार चला गया प्रभु जी, जा चुकी हो उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। तात्पर्य, बद्धजीव लक्ष्मी जी की कृपा के सदैव भूखे रहते हैं। यद्यपि स्वभाव से लक्ष्मी जी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती रहती, भौतिक जगत में कोई कितना भी चतुर क्यों न हो, वह अस्थाई रूप से भाग्यशाली नहीं होता। संसार के विभिन्न भागों में न जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए हैं, संसार में न जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए हैं और न जाने कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, किंतु क्रमशः उन सबका क्षय हुआ है। यही प्रकृति का नियम है, लेकिन आध्यात्मिकता में स्थिति भिन्न होती है। ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान की सेवा में सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत विनम्रता पूर्वक लगी ही रहती है, ये भगवान के साथ सदैव एकांत में होती है, तो भी भगवान का सदिग्न नित्य इतना नवीन लगता है कि वे क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ पाती। यद्यपि वह स्वभाव से चंचल है और इधर उधर विचरण करती रहती है, भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध इतना जीवंत होता है कि एक बार उनकी शरण में आ जाने पर भगवान का संग नहीं छोड़ा जा सकता। सारे जीव स्वभाव मुक्त होना, नीचे होना, ऊपर करेंगे प्रभु जी, मुक्त होना यहाँ से, ये पढ़िए जो आपको मार्किंग कर दिया यहाँ से। सारे जीव स्वभाव से स्त्रीण है, थोड़ा सा तो कर्सर को ले जाइए ना वहां पे, अच्छा ऊपर कर, हाँ ठीक ठीक। सारे जीव स्वभाव से अश्रेण है, पुरुष या भोक्ता तो भगवान है, किंतु भगवान है और उनकी विभिन्न शक्तियों को सारी अभिव्यक्तियां स्त्रीणा है। भागवत गीता में जीवों को पराप्रकृति अथवा उच्चतर शक्ति की उपाधि दी जाती है। भौतिक तत्व अपराप्रकृति या निष्कृष्ट शक्ति है, ऐसी शक्तियां जो भोक्ता की तुष्टि के लिए व्यवहार में लाई जाती है, जैसा कि भागवत गीता 5:29 में कहा गया है कि परम भोक्ता स्वयं भगवान है, अतएव एक शक्तियों को सीधे भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो उन्हें असली रूप प्राप्त होता है और तब शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रह जाता। सामान्यतः किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राज्य या सरकार के परम भोक्ता के अधीन कोई पद चाहते हैं, किंतु भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता है, अतएव उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। एक बार भगवान की परम सरकारी सेवा में लग जाने पर कोई भी जीव कभी उससे मुक्त नहीं होना चाहता। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की परम सेवा में कोई कैर प्राप्त करना है, इसे मनुष्य परम सुखी बनता है। तो भगवान से संबंध बनाए बिना चंचल लक्ष्मी को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। बहुत सुंदर, इस श्लोक में बहुत कुछ शिक्षा हम लोग को मिलेगा, डिस्कशन है। तो सबसे पहले कल के क्लास में हम लोग जो कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। नंदकिशोरी माता जी पहले बोलेंगे कल के क्लास में क्या डिस्कस हुआ था। हरे कृष्णा। सभी भक्त लोग को दंडवत प्रणाम, और प्रभु जी आपको भी दंडवत प्रणाम। कल का क्लास में प्रभु जी आपने बताए थे कि जब भगवान को बहुत दिन बाहर रहने के बाद
अपने घर द्वारिका आए तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर रानियां मन ही मन बहुत खुश हुई मन हर्षित हुई और अपने अपने जगह से बैठी अपने अपने जगह पर बैठी थी कोई ध्यान कर रही थी तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर तुरंत खड़ी हो गई मैंने खड़ी उठ के खड़ी हो गई और जैसे कि पहले जो प्रथा चली आ रही थी कि प्रथा के अनुसार घर में कोई बड़े मैंने प्रथा और यानी संस्कृति पहले संस्कृति के अनुसार वही प्रथा हुआ घर में कोई बड़े व्यक्ति या बुजुर्ग आते हैं तो उनको सम्मान देने के लिए खड़े हो जाते हैं मैंने जो सामने रहते हैं वे खड़े हो जाते हैं तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को देखकर रानियां लोग लजा मतलब रानियां लोग लजा गई और लजा कर अपना मुख ढक ली और ढक करके ही नीचे से दृष्टि से ही माने भगवान को देखने लगी तो प्रभु जी ये औरत को लजा जो होती है वे बहुत समान मतलब उससे समान मिलता है जो औरत मतलब अपने लजा में मतलब किसी के सामने नए लोग आते हैं चाहे कोई भी तो शर्मिंदा औरत लोग के हुए समान मतलब मिलता है और यही है आजकल कलयुग में कि कोई उस बढ़िया पर्दा भी नहीं लेती है तो उनको तो कोई समान मिलता नहीं है और तो भगवान एक ही थे प्रभु जी भगवान तो द्वारिका से आए थे तो एक ही थे कृष्ण भगवान एक ही थे लेकिन वे अपना विस्तार अनेक पूर्ण अंश में भी विस्तार किए और विस्तार करने के बाद उतने अंशों में विभक्त कर लिए और सभी को महलों यानी घर के महलों में वे गए तो मन घर में घुस गए तो प्रभु जी आप ये बताएं कि हम लोग से ये संभव नहीं है मतलब इस तरह से जिस तरह भगवान अपना विस्तार किए उस तरह किसी व्यक्ति में संभव नहीं है वे संभव उसी आदमी में है जो भगवान के प्रेमी और शुद्ध भक्त उनको भगवान के मतलब शुद्ध भक्त उनको दिव्य भगवान दिए हुए हैं उन्हीं के अंदर हो सकता है और है प्रभु जी की आप बताए थे श्रुति मंत्र के उदाहरण एक दिए थे कि परम पूर्ण एक ही है भगवान परम पूर्ण एक ही है किंतु इच्छा अनुसार उनके इच्छा अनुसार अनेक बन जाते हैं जैसा एक मूवी के बात आप ये फिल्म की बात बताए थे कि एक ही कैसेट से बहुत सारे कैसेट तैयार होता है लाखों हजारों में ये कैसेट तैयार होता है और पूरे मतलब पूरे जगह जगह पूरे राज्य पूरे विदेश मतलब सब बहुत सारे दुनिया में भी वे कैसेट फिल्मों ये फिल्म कैसेट के जरिए फैल जाता है उसी तरह भगवान है प्रभु जी कि अपने मतलब अपने भक्ति से वे तो पूर्ण शक्तिमान भगवान है उनको तो जहाँ आदमी याद करेगा वहां खड़े हो जाएंगे लेकिन वे है कि मैं हम लोगों को वे आंख नहीं है हम लोग अंधे हैं जो शुद्ध भक्त है तो उनको भगवान दिखाई पड़ते हैं भगवान आ जाते हैं लेकिन हम लोग अंधे हैं अभी हम लोग उतने पर नहीं पहुंचे हैं और प्रभु जी और तो स्मरण नहीं हो रही है हरे कृष्णा प्रभु जी बहुत सुंदर तो हमारे नंदकिशोरी माता जी का जो ओवरव्यू आजकल सुनने को मन करता है क्योंकि माता जी पूरा रियलाइजेशन अनुभव पूरा ज्ञान के साथ पहले पहले थोड़ा फॉर्मेलिटी देख के को उसके बाद फिर घर में घुसे भगवान
भगवान माता जी पहले से बोलते थे, इसीलिए पहले थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बोरिंग फील होता था, अरे क्या देख देख के पढ़े। लेकिन आजकल माता जी इतना सुंदर बोलते कि हृदय को भा जाते हैं, है ना। कृष्ण कथा इतना तो सुंदर रूप से वर्णन, नहीं है उस तरह सा नहीं है। अभी तो भक्त लोग से थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, थोड़ा भगवान देंगे मेरे को भक्ति, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमको भी थोड़ा थोड़ा अपने अंश में से, जैसे रानियों लोग के दिए थे वैसे थोड़ा थोड़ा हमको भी दे देंगे, देते रहेंगे तो। चलिए ठीक है माता। तो चलिए आजकल हमारे प्राणमोहन प्रभु जी भी सुंदर ओवरव्यू प्रदान करते हैं, लेकिन प्रभु जी का थोड़ा स्पीड नहीं होता, मतलब थोड़ा देर देर में अटक अटक कर बोलते हैं, मुरारी की तरह बोलना है स्पीड की। प्रभु जी फिर सीता ना, वो फिर सीता विभीषण आया, फिर बोला हनुमान क्या करे, तो मुरारी की तरह बोलना है। मुरारी के साथ संग में रहते रहते थोड़ा तो आपको क्वालिटी आया है, स्पीड बोलना है। ठीक है, हमारे प्राणमोहन प्रभु कल बोले। हरे कृष्ण। प्रभु जी बताए थे कि जब द्वारका में उनका प्रवेश हुआ तो माता पिता से मिलने के बाद, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद, वे अपने रानियों के महल में प्रवेश करते हैं, अपने घर में प्रवेश करते हैं। उनकी 16,108 रानियां थी, और सबों के लिए बढ़िया महल था, संगमरमर का बना हुआ महल था, आंगन था, उद्यान था, और सबों में मखमल के और सिल्क के, यानी सिल्क के पर्दे लगे हुए थे, गलीचे बिछे हुए थे, गलीचों में जो है सोने की जो है जरी क्या हुआ था, इस तरह किसी भी तरह की कमी नहीं थी महलों में। जो भगवान को चाहिए, जो वो सोचते थे, सब उपलब्ध होता था, केवल सोचने मात्र की कमी थी, उससे पूरा हो जाता था। भगवान का बल, शक्ति, ऐश्वर्य ऐश्वर्य आदि जो है, उसके क्या ऐश्वर्य? ज्ञान, चिंता, अरे वैराग्य आदि में पूर्ण था भगवान में। और उसे मैं बता, उदाहरण दिए थे कि ईंट का, कि हम लोग 5 मिनट भी ईंट को नहीं उठा सकते, और कृष्णा हाँ, जो है हाथ में गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठा करके रखे थे। और दूसरे श्लोक में बताए थे प्रभु जी 16,108 रानियां थी, जैसे ही वो अपने अभी मैं अपने अपने महलों में थी, तो हर एक के महलों में वे अपना रूप को अधिक को विस्तारित कर लिए, और 16,108 जो है वो अभी में अंशों में विभक्त हो गया, और सबके समान रूप से सबके महलों में वो प्रवेश किए। तो जैसे ही प्रवेश किए तो रानियां जो है लज्जा से मुख को ढक ली और नीचे देखने लगी। उसके बाद जो है वो लज्जा बस आलिंगन तो नहीं कर सकती थी, लेकिन जो है
वे मन ही मन जो है आलिंगन किए, नेत्रों से किए, और के बाद जो है अपने पुत्रों को